साथियों जीवन में जब हम बड़े लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कई बार ये देखना भी जरूरी होता है कि हम चले कहां से थे शुरुआत कहां से थी कि और जब उसको याद करते हैं तभी तो हिसाब किताब का पता चलता है कि कहां से निकले और कहां पहुंचे हमारी गति कैसी रही हमारी प्रगति कैसी रही हमारी उपलब्धियां कैसे रही हैं हम अगर 2014 से पहले के दिनों को याद करें उन दिनों को भूलना मत साथियों तब जाकर के ही आज के दिवसों का मूल्य समझ आएगा आज की परिस्थितियों को देखे पता चलेगा साथियों देश ने बहुत लंबा सफर तय किया है 2014 से पहले अखबार की सुर्खियों भरी रहती थी हेडलाइन बनी रहती थी टीवी के पर चर्चा होती रहती थी बात क्या होती थी बात होती थी लूट और खसोट की बात होती थी बात होती थी भ्रष्टाचार की बात होती थी घोटालों की बात होती थी भाई भतीजे बात की बात होती थी अफसरशाही की बात होती थी अटकी लटकी फटकी योजनाओं की लेकिन वक्त बदल चुका आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ की सिरसा से कोई समा देवी सिरमौर से हमारी कोई समा देवी कह देती है कि मुझे ये लाभ मिल गया आखिरी घर तक पहुंचने का प्रयास होता है गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके खाते में पहुंचने की बात होती है आज चर्चा होती है दुनिया में भारत के स्टार्टअप की आज चर्चा होती है वर्ल्ड बैंक भी चर्चा करता है भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आज हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिक चर्चा करती है अपराधियों पर नकेल कसने की हमारी ताकत की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ने की 2014 से पहले की सरकार ने भ्रष्टाचार को सिस्टम का जरूरी हिस्सा मान लिया था तब की सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने की बजाय उसके आगे घुटने टेक चुकी थी तब देश देख रहा था कि योजनाओं का पैसा जरूरतमंद तक पहुंचने के पहले ही लूट जाता है लेकिन आज चर्चा जनधन खातों से मिलने वाले फायदों की हो रही है जनधन आधार और मोबाइल से बनी त्रिशक्ति की हो रही है पहले रसोई में धुआं सहने की मजबूरी थी आज उज्ज्वला योजना से सिलेंडर पाने की सहूलियत है पहले खुले में शौच की बेबसी थी आज घर में शौचालय बनवाकर सम्मान से जीने की आजादी है पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी आज हर गरीब को आयुष्मान भारत का सहारा है पहले ट्रिपल तलाक का डर था अब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का हौसला है साथियों 2014 से पहले देश की सुरक्षा को लेकर चिंता थी आज सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक का गर्व है हमारी सीमा पहले से ज्यादा सुरक्षित है पहले देश का नॉर्थ ईस्ट अपने असंतुलित विकास से भेदभाव से आहत था दुखी था आज हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल से भी जुड़ा है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ रहा है सेवा सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए बनी हमारी योजनाओं ने लोगों के लिए सरकार के मायने ही बदल दिए अब सरकार माई बाप नहीं है वो वक्त चला गया अब सरकार सेवक है सेवक जनता जनार्दन की सेवक है अब सरकार जीवन में दखल देने के लिए नहीं बल्कि जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है बीते वर्षों में हम विकास की राजनीति को देश की मुख्य धारा में लाए हैं विकास की इसी आकांक्षा में लोग स्थिर सरकार चुन रहे हैं डबल इंजन की सरकार चुन रहे हैं